हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। तो कल अपने रसायन विज्ञान एंड केमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर जो चैप्टर शुरू किया था, लेसन नंबर 2 यानी सॉल्यूशन यानी विलयन, तो उसमें कल अपन ने उसका जनरल इंट्रोडक्शन था, उसका परिचय वगैरह तो किया था, यानी विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलाय के क्या होता है और विलयन के प्रकार क्या होते हैं, यानी विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर उसके प्रकार जो अपन ने कर लिए थे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विलयन की सांद्रता। टॉपिक का नाम रहेगा अपना सांद्रता। ठीक है, तो सबसे पहले सांद्रता देखिए, यानी आपने कल्पना देखी किसी ठोस को ठोस में डाले, ठोस को द्रव में डाले, ठोस को गैस में डाले, गैस को गैस में डाले, तो किस कौन कितनी मात्रा में उसको किस में मापा जाए, किस में उसको व्यक्त किया जाए, वो कहलाए तो उसकी सांद्रता है, सांद्रता की या इसको बोलते हैं सांद्रता की इकाई, विलयन की सांद्रता की इकाई। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता को संघटन भी बोलते हैं, सांद्रता किस नाम से जानते हैं, संगठन के नाम से भी जानते हैं, विलयन का संगठन कैसा है। ठीक है, यानी तो सबसे पहले देखते हैं सांद्रता। तो सांद्रता होती क्या है, किसी विलयन में यानी विलयन में किसी विलाय के, विलयन में किसी विलाय के, निश्चित मात्रा, विलयन में किसी विलाय की निश्चित मात्रा कितनी घुली है उसके अंदर, वो कहलाती है उसकी सांद्रता। यानी विलयन में किसी विलाय की निश्चित मात्रा जो उपस्थित होती है वो उसकी कहलाती है उसकी सांद्रता। अब बात आती है कि सांद्रता को किस में नापा जाए, किस में पढ़ा जाए, कैसे किस प्रकार से उपयोग किया जाए, वो कहलाती है विलयन की सांद्रता की इकाई। तो जनरली अगर इसको मुख्य रूप से देखें तो जो विलयन की जो सांद्रता होती है, सांद्रता की इकाई होती है, उनको डिवाइडेड किया गया 3 भागों में। तो नंबर 1 है वो भार, भार मात्रक या भार भार इकाई। नंबर 2 भार आयतन मात्रक। और नंबर 3 चलता है आयतन, आयतन मात्रक। ठीक है, भार भार मात्रक, भार आयतन मात्रक और आयतन आयतन मात्रक। यानी कल अपने दिया देखा था कोई गैस गैस में हो सकता, तो गैस का क्या भार थोड़ा होता है, आयतन निकालना चाहिए, द्रव द्रव होता है, तो द्रव का भार तो क्या होता है, आयतन। तो इस प्रकार क्या होता है, भार भार मात्रक, इसमें विलय विलय दोनों कैसे हो, दोनों का क्या लिया जाए भार, उसे कहते हैं भार भार मात्रक। ठीक है, भार आयतन मात्रक, यानी एक विलय का क्या लिया जाए भार और विलय का क्या लिया जाए आयतन, तो किस में का भार आयतन मात्रक, आयतन आयतन मात्रक, जैसे द्रव को द्रव में, गैस को गैस में, ये दोनों का क्या लिया जाए आयतन लिया जाए, तो उसे कहते हैं आयतन आयतन मात्रक। ठीक है, तो इनके आधार पर भार भार मात्रक, भार आयतन मात्रक, आयतन आयतन मात्रक, इनके आधार पर देखें अपन विलयन के नौ टाइप थे, नौ टाइप की सांद्रता की इकाइयां होती है, वो उन इकाई को भी कितने भागों में बांटा गया है, नौ प्रकार में बांटा गया है, कौन कौन सी है वो देखते हैं अपन। तो नंबर 1 है अपनी द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, पहली कई कौन सी है, द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर 2 है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, नंबर 3 है अपना आयतन
आयतन प्रतिशत, ठीक है। नंबर चार है अपना मोलरता, नंबर पांच अपनी मोललता, ठीक है। नंबर छह अपनी मोल भिन्न, मोल भिन्न इसे मोल अंश भी कहते हैं या मोल प्रभाजन बोलते हैं। नंबर सात अपनी फॉर्मलता, नंबर आठ अपनी नॉर्मलता, ठीक है। और नंबर नौ है पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन यानी PPM। तो टोटल इकाई अपनी जितनी होती है नौ, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, मोलरता मोललता, मोल भिन्न मोल अंश या मोल प्रभाव, फॉर्मलता नॉर्मलता, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। अभी नौ में सबने सवेरे सवेरे द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, आयतन आयतन प्रतिशत है, मोललता ये भी पढ़ेंगे, मोललता पढ़ेंगे, मोल भिन्न पढ़ेंगे, ठीक। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक। पार्ट प्रति मिलियन, फॉर्मलता और नॉर्मलता, ठीक। तो इनको अपन वन बाय वन डिटेल करते हैं, यानी ये कैसे निकलते हैं, कैसे से अपन इन फॉर्मूले की सहायता से अपन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर एक अपना द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर एक कौन सा अपना द्रव्यमान प्रतिशत, इसे ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं प्रतिशत डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, प्रतिशत डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू यानी द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है द्रव्यमान प्रतिशत की, ठीक है। किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो क्या कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत। या दूसरी परिभाषा अपन इसकी लिख सकते हैं किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में संख्या, संख्या या मात्रा क्या कहलाता है उस विलयन का कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में, 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में संख्या क्या कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। इसे प्रदर्शित करते हैं प्रतिशत डब्ल्यू अपॉन वेट, वेट द्रव्यमान भार भार यानी प्रतिशत डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला पर बनाए तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर किसी विलयन के 100 ग्राम में विलय पदार्थ की ग्राम मात्रा, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा या द्रव्यमान प्रतिशत के लिए गुणा क्या लगा देंगे 100, यानी द्रव्यमान प्रतिशत क्या लगे विलय पदार्थ के ग्राम में मात्रा या विलय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन का ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत के लिए गुणा में 100 क्या हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। माना विलय को ले लिया मैंने ए, विलय ए है वह विलय को क्या ले लिया मैंने बी ले लिया, तो इसका क्या हो जाएगा वेट क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए, और इसका क्या हो जाएगा डब्ल्यू
बी हो तो क्या जाएगा प्रतिशत W अपॉन W बराबर प्रतिशत W अपॉन W बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रक तो विलय कौन सा है A तो क्या हो जाएगा W A अपॉन विलय क्या ले लिया B तो अपने किसका ग्राम मात्र लेनी है विलयन की तो विलयन क्या हो जाएगा W A प्लस W B यहां सोचना दोनों की अलग अलग मात्रा ली है यदि विलय और विलायक दोनों की मात्रा अलग अलग दे दे तो विलयन का द्रव्यमान अपने को लेना है तो उसके लिए अपन को जोड़ना पड़ेगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अगर यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट विलयन का दे तो इसको जोड़ना नहीं है तो गुणा में सो यह फॉर्मूला अपने क्या निकल जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत ठीक है तो किसी विलयन के 100 ग्राम उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम संख्या क्या कहलाएगी द्रव्यमान प्रतिशत तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100 अब जैसे मैंने विलय को ले लिया ए और विलय को ले लिया बी तो द्रव्यमान प्रतिशत डब्ल्यू ए विलय का भार बटे विलयन का भार विलय को दोनों को जोड़ देंगे विलयन को बने गुणा में 100 ये हो जाएगा अपना द्रव्यमान प्रतिशत अब इस पर अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जैसे क्वेश्चन है अपना 20 ग्राम शर्करा को 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या है यानी विलय कितना है 20 ग्राम किसमें 100 ग्राम जल में घोलकर 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए ठीक है तो क्या हो जाएगा अपना प्रतिशत W अपॉन W द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला क्या था अपना विलय का भार कितना है 20 ग्राम कितना है 20 ग्राम 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया सो यह इसको अपन कैसे कर लेते हैं 100 ग्राम विलयन में घोलकर तो टोटल विलयन का भार इसने दे दिया 100 तो नीचे क्या हो जाएगा 100 गुणा में 100 तो 100 से 100 क्या जाएगा 20 प्रतिशत क्या गया इसका 20 प्रतिशत इस प्रकार अपन न्यूमेरिकल करते हैं यदि इसको विलय का भार दे दिया विलय का भार दे दिया जाए तो इन दोनों को जोड़कर प्रयास करेंगे फिर इसको से गुणा कर देंगे इस प्रकार अपना निकलता है द्रव्यमान प्रतिशत ठीक है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद।